आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जावा स्ट्रिंग में रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे इस मेथड को हम कैसे यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली जो रिप्लेस मेथड है, किसी भी स्ट्रिंग के अगर हम कोई कैरेक्टर में स्ट्रिंग के कैरेक्टर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग है उसमें कोई कैरेक्टर अगर चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज करते हैं, या कोई की स्ट्रिंग जो सेंटेंस है सेंटेंस में से स्पेसिफिक वर्ड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग का हमने वेरिएबल नेम दे दिया str, और इसमें एक हम स्ट्रिंग लेते हैं जावा स्ट्रिंग मेथड रिप्लेस। ओके, अब हम इस मेथड है इस मेथड में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कैरेक्टर ई हो उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं एक दूसरे कैरेक्टर से, तो ये कैसे हम करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम देंगे str इक्वल टू str डॉट रिप्लेस। ओके, और इस रिप्लेस में हम सबसे पहले वो कैरेक्टर देंगे जो कैरेक्टर को हमें चेंज करना है। तो हमें ई कैरेक्टर को चेंज करके उसके जगह पे कौन सी कैरेक्टर लाना है, इसके लिए हम कैरेक्टर चेंज करना, हमें कैरेक्टर देना है सिंगल कोट्स, और हम ई को चेंज करना चाहते हैं। किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ई जहाँ भी हो उसके जगह पे ए आ जाए, हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमें जिस कैरेक्टर को एलिमिनेट करना है पहले उसको रखना है, उसके जगह पे किससे रिप्लेस कराना है उसके बाद उस कैरेक्टर को रखना है। ओके, और यहाँ पर हम फिर देते हैं इसको प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और सिंपली यहाँ पर हम str दे देते हैं। कुछ हमारा प्रोग्राम जब कंपाइल करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए जावा स्ट्रिंग मैथड और re रिप्लेस जगह पे a आ गया और c के बाद भी हमारा a आ गया, तो हमारे स्ट्रिंग में जहाँ भी e थे उसे एलिमिनेट करके उसके जगह पे a को रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसी तरह से हम चाहते हैं कि पूरे स्ट्रिंग में से एक पूरे वर्ड को ही चेंज करने के लिए, तो कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे पहले, और हमें स्ट्रिंग को चेंज करना है इसलिए हम डबल कोट का यूज करेंगे। यहाँ पे डबल कोट हम चाहते हैं कि जावा जहाँ पे उसके जगह रिप्लेस हो जाए कावा से, तो ये भी पॉसिबल है। फिर हम कंपाइल जैसे कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो जहाँ पर ये जावा है उसके जगह पर कावा आ जाए, जैसे कंपाइल करते हैं और हमारा प्रोग्राम ये रहा कावा स्ट्रिंग मेथड रिप्लेस। देखिए अब हमारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म होता है। इसी तरह से हम स्ट्रिंग में रिप्लेसमेंट को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं क्या, जो हमारी स्ट्रिंग है इसके बीच में जो भी वर्ड के बाद स्पेस आ रहा है ये स्पेस को हम चाहते हैं एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, तो क्या ये भी पॉसिबल है रिप्लेसमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स यूज करेंगे, बेसिकली डबल कोट्स यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि जहाँ पर स्पेस है यहाँ पर हम स्पेस दे दिए कॉमा, उसके जगह पर क्या कर देना चाहिए, कोई स्पेस ना रहे। तो सिंपली जो जावा फिर उसके बाद स्पेस स्ट्रिंग है इसके बीच में स्पेस नहीं रहेगा। जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो हमारा कुछ प्रोग्राम ऐसे हो गए, तो हम देखें इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। इस तरीके से भी हम रिप्लेस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर भी इस स्ट्रिंग को हमने पूरे को सब कोई भी स्ट्रिंग के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तब भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। कुछ लाइक ऐसे str रहेगा हमारा इक्वल टू str डॉट डॉट रिप्लेस ले लिया हम यहाँ पर, ठीक है। और हम चाहते हैं यहाँ पे क्या है कि जहाँ भी स्पेस नहीं है उसके जगह पे हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हम ये स्पेस दे दिए। हमने कहा जहाँ पे स्पेस नहीं है उसके जगह पे हमें स्पेस चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस दे दी। अब जैसे हम अपने प्रोग्राम को प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट रहेगा जितने भी इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर हैं उन सभी के बीच में स्पेस आ जाएगा, कैरेक्टरों के बीच में आएगा ना कि वर्ड के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम str प्रिंट करते हैं, और जैसे प्रिंट कराएंगे अब हम डिफरेंस देखेंगे अब क्या हुआ। तो बेसिकली अब देखिए जितने भी यहाँ पर स्ट्रिंग है उसके बीच में यहाँ पर स्पेस हमने एलिमिनेट किया था, और यहाँ पर हमने क्या किया जितने भी वर्ड है उस वर्ड के बीच में स्पेस लगा। इस तरीके से कई तरह से इसका यूज कर सकते हैं हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्लेस मेथड। आई होप आपको समझ आया हो ये कॉन्सेप्ट।
जावा प्रोग्रामिंग,